जिले के कसरावत जनपद के ग्राम खल बुजुर्ग के सैकड़ों रहवासी मकानों के शासकीय पट्टे नहीं होने से शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बुधवार को ग्रामीण स्वामित्व योजना के तहत आबादी अधिकारी अभिलेख पट्टे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पट्टों के अभाव में सुविधाएं नहीं मिलने की समस्या सुनते हुए कलेक्टर से पट्टे जारी करने की मांग की। ग्रामीण जमुनाबाई, संगीता, वंदना रुक्मणी, संतोष गंगवाल, रामचंद्र पाटीदार, अनोखी सुगंधी ने बताया कि गाँव में करीब 1366 परिवार निवासरत हैं। यहाँ कुछ लोगों को ही वर्तमान में भूमि पर कब्जे के पट्टे मिले हुए हैं। सैकड़ों रहवासी अब भी वंचित हैं। ऐसे में मूलभूत सुविधाएं तो दूर की बात है, उन्हें रहने का मालिकाना हक भी नहीं मिल पा रहा है। कहने को तो यहाँ के रहवासी पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन समस्याओं और सुविधाओं के तरफ न तो पंचायत ध्यान दे रही है और न ही प्रशासन मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पट्टा न मिल पाने के कारण शासन की पीएम आवास योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। कल बुजुर्ग से आए हैं तहसील कसरावत, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, न पंचायत में होती है न तहसील में होती है। हम दौड़ दौड़ के थक गए हैं। हमको पट्टे चाहिए और हमको रोड भी सही चाहिए, नालियों भी नहीं बन रही है, यही हमारी परेशानी। उनको सुने परेशानी उठा रहा है, ये परेशानी हम कम से कम 50 साल से उठा रहे हैं, कौन सुनता है? ये सरपंच सच्चे काम नहीं करते, कहीं भी नहीं करते, जो भी बोलते हैं तो आवेदन देते हैं तो कहीं तो सुनते नहीं। अभी आपने क्या मांग करी साथ में? अभी यहाँ पर दी हमने कि हमारा मतलब पट्टे नाली खूटी के आवेदन दिया है। अनोखी खल बुजुर्ग से आए हैं, रेस्ट हाउस के पास में तहसील कसरावत जिला खरगोन से आए हैं, और हमारी मांगे है कि मतलब हमारी खुटिया और घर के काम और उसके बाद में रोड का काम और पट्टे का काम और ये जो भी हर काम हमारे कोई लाभ नहीं मिलता, हर साल सरपंच बदल के चले जाता है। इसलिए कृपया कलेक्टर जी महोदय से हमारी निवेदन है कि कृपया हमारे जल्द से जल्द सुनवाई करी जाए, और तहसीलदार को भी ये आवेदन में एक बार नहीं 10 बार दे चुके हैं और तहसीलदार भी ये बात के लिए सुनवाई करते नहीं, हमारी हर बात जाके बात टाल देते हैं। इसलिए हमारी तहसीलदार से भी निवेदन है कि कृपया हमारी जल्द से जल्द खल बुजुर्ग की महिला आई है उनकी भी समस्या के हल करें, और चाहता हूं कि मैं महिला का मतलब जो भी राग हो गांव का जल्द से जल्द की सुनवाई करें, कि हमारा जो रोड पे जाने के लिए दिक्कत होती है, चोरी चपाड़ी ज़्यादा होती है, उससे हमको हर गाँव में दिक्कत होने की कृपया हो रही है। इसलिए मेरी कलेक्टर और तहसीलदार से महोदय से मेरे निवेदन है कि कृपया हमारी जल्द से जल्द सुनवाई करी जाए। मेरा नाम है मुकेश चौहान, मैं खल बुजुर्ग का रहने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।